धनंजय गिरी जी, PFI और बजरंग दल, इन दोनों को बैन किया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती, इसका फायदा मिलेगा? ये जो आज मैनिफेस्टो जारी किया गया, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि ये मैनिफेस्टो के बाद अब तो हम कॉन्फिडेंट है कि हम कर्नाटका जीतने वाले हैं। और साथ ही आप लोगों ने यह भी कह दिया कि अगर जिन्ना होते तो जिन्ना भी इस तरह का मैनिफेस्टो नहीं लाते कर्नाटक के लिए। ये हेमंत जी उन्होंने आज कहा है, हेमंत बिस्वा ने। प्रीति जी, कांग्रेस का हाथ किसके साथ दिख रहा है साफ साफ? हाँ, बजरंगबली के नाम से खलबली। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और जेपी तक ये बात पहुंची तो जेपी ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहु को डर। भगवान शिव के 11वें अवतार रुद्र अवतार, रावण ने हनुमान जी की पूछ छूने का प्रयास किया, रावण भस्मीभूत हो गया। कांग्रेस भी अपने भस्मीभूत होने की प्रतीक्षा कर रही। मुस्लिम लीग से तुलना कर दिया आप लोगों ने इस मैनिफेस्टो का कांग्रेस पार्टी। नहीं तो प्रधानमंत्री ने कहा था ना, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री से हमने कौन कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है? तो कांग्रेस का हाथ किसके साथ दिख रहा है साफ साफ? आपको कुछ बात छुपी नहीं ना, तो नकाब हट गया, रुख से नकाब उड़ गया, पर्दा हट गया, सब कुछ दिख गया, सबको सब कुछ दिख गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया। पहले प्रभु श्री राम को बंद करने का प्रयास किया, भगवान राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया। हम कर्नाटक जीतने वाले हैं पर भारत के समाज पर, इस देश के बहुसंख्यक समाज पर कांग्रेस के संघातक हमले और आक्रमण लगातार होते रहे और इस देश की दुर्दशा को पहुंचाने के लिए कांग्रेस जिम्मेवार रही है और इस देश का बहुसंख्यक समाज जाग गया। जिन्ना से तुलना, मोहम्मद अली जिन्ना से तुलना, मुस्लिम लीग से तुलना करना एक मैनिफेस्टो का, ये किस ओर इशारा करता है? आप देखिए, जो बड़े मोहम्मद अली जिन्ना अलामा इकबाल के शिष्य हुए, अलामा इकबाल ने भी अपने शेरो शायरी में भगवान राम को उपाधि अच्छे अच्छे से दी है, जो हालांकि हम उस लाइन सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाच। लेकिन कांग्रेस को परेशानी राम के नाम से रही है, कांग्रेस को परेशानी भगवान राम हनुमान जी के नाम से रही है, कांग्रेस की परेशानी समझ रहा है। दो मेहमान और हमारे साथ, ठीक है, तीन आने।